Hello everyone, this is your second lecture for the prose, Tobacco, the Silent Killer. In our previous lecture, we have read that how tobacco harms our life and how it can be useful for us in different fields. So now, we shall continue with the chapter, Cancer and Other Diseases. As you all know, tobacco se cancer bhi ho sakta hai. और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था. इट इज़ अ साइलेंट किलर. ये साइलेंट किलर होता है. क्यों होता है? क्योंकि टोबैको सामने से नहीं दिखता कि ये हार्म कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हमारी बॉडी को काफ़ी जगह हार्म करता है. अंदर ही अंदर ये हमारी पूरी बॉडी को ख़राब कर देता है. लंग कैंसर इज कॉज्ड बाय द टार इन टोबैको स्मोक. लंग कैंसर किस वजह से होता है? टोबैको में जो टार प्रेजेंट होता है उसकी वजह से जब हम स्मोक करेंगे तो लंग कैंसर के चांसेस उससे ज़्यादा हो जाते हैं. पीपल हु स्मोक आर 10 टाइम्स मोर लाइकली टू डाई फ्रॉम लंग कैंसर देन नॉन स्मोकर्स. मीन्स जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके मरने के चांसेस 10 गुना ज़्यादा हो जाते हैं जो लोग स्मोक नहीं करते. किससे मरने के चांसेस? लंग कैंसर के थ्रू. मीन्स उनकी कॉज क्या होगा उनकी डेथ का? लंग कैंसर होगा. जो स्मोक करते हैं उनके 10 गुना ज़्यादा उनकी डेथ हो सकती है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स. द मिक्सचर ऑफ निकोटीन एंड कार्बन मोनोक्साइड इन ईच सिगरेट स्मोक टेम्पररीली इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर विच स्ट्रेन्स द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. मीन्स जो भी निकोटीन और कार्बन मोनोक्साइड जो टोबैको में प्रेजेंट होता है और एक सिगरेट स्मोक में जो प्रेजेंट होता है वो टेम्परेली इंक्रीज कर देता है एक इंसान की हार्ट रेट को भी और ब्लड प्रेशर को भी हाई कर देता है. विच स्ट्रेन द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. स्ट्रेन मीन्स थका देना. मीन्स जो थका देता है हार्ट को भी और ब्लड वेसल्स भी. मीन्स उसमें जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो मीन्स हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है? हार्ट भी ज़्यादा जल्दी से ब्लड को पंप करना स्टार्ट हो जाता है. तो अगर स्मोकिंग करेंगे तो वो हार्ट को भी थकाएगा और जो ब्लड वेसल्स हैं जहाँ से ब्लड पूरा फ्लो होता है हमारी पूरी बॉडी में वो भी थक जाती हैं. दिस कैन कॉज अ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक. मीन्स इसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है और स्ट्रोक मीन्स मारना किसी को. इट मीन्स हार्ट अटैक होगा और उसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है. इट स्लोज द ब्लड फ्लो कटिंग ऑफ ऑक्सीजन टू फीट एंड हैंड्स. मीन्स ये ब्लड फ्लो को कम कर देता है और जो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा होता है फीट्स में भी और हैंड्स में भी वो उसको कट कर देता है कि ऑक्सीजन फ्लो ही नहीं हो पाता. सम स्मोकर्स एंड अप हैविंग देयर लिम्स एम्प्यूटेटेड. एम्प्यूटेटेड मीन्स टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी. मीन्स किसी एक बॉडी पार्ट को कट कर देना. लिम्स मीन्स कोई भी बॉडी पार्ट. कुछ स्मोकर्स अपनी स्मोकिंग कैसे बंद करते हैं कि उनका कुछ कोई ना कोई बॉडी पार्ट उनको कट करना पड़ता है. मीन्स बहुत बार ऐसा होता है कि तुमने टीवीज़ पे भी देखा होगा या कहीं पे भी कि जो कैंसर होता है वो अजीब सा किसी के नेक में हो जाता है, किसी के गॉइटर में हो जाते हैं, अलग तरह से वो बाहर को बल्ज हो जाती है स्किन और उसको पूरे को कट करना पड़ता है. तो मीन्स इतना ज़्यादा इससे हार्म हो सकता है हमारी बॉडी को. Carbon monoxide decreases the oxygen supply to the muscles and brain, making these organs stressed. Carbon monoxide decrease कर देता है ऑक्सीजन की सप्लाई को, जो भी मसल्स में और ब्रेन में जो भी हमारा ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है उस सबको कम कर देता है, making these organs stressed. और इसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो ऑर्गन्स स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, स्ट्रेस हो जाएगा उन पर बहुत ज़्यादा. Emphysema is an illness that slowly rots the lungs. Emphysema एक disease का नाम है कि जिसमें जो हमारी lungs होते हैं उसमें छोटे छोटे sacs होते हैं. means छोटी छोटी pockets type होते हैं जिनमें air का intake या outtake होता है. तो smoking की वजह से वो क्या होता है कि जब emphysema उनको हो जाएगा. emphysema means जिस condition में वो पूरे sacs जो होंगे हमारी lungs में वो पूरे air से फिल हो जाएंगे, एक्सेस ऑफ एयर से फिल हो जाएंगे और उसकी वजह से हमारा लंग जो है ख़राब हो सकते हैं. रॉट मीन्स ख़राब होना. पीपल विथ एम्फिसाइमा
ऑफन गेट ब्रोंकाइटिस एंड सफर लंग एंड हर्ट डिजीजेस। मीन्स जिनको एम्फिसाइमा होगा, जिन लोगों को, उनमें क्या होगा, ब्रोंकाइटिस एक डिजीज होती है, ये भी स्वेलिंग इनका लंग्स, लंग्स में स्वेलिंग हो जाती है। मीन्स उनकी एम्फिसाइमा की वजह से लंग्स में स्वेलिंग हो जाएगी और उनको लंग और हर्ट डिजीजेस होने के चांसेस हो सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट एंड इवन प्री मैच्योर बेबीज। मीन्स अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी के टाइम पे स्मोकिंग करती है तो उसके जो बेबी का वेट होगा वो भी काफ़ी कम होगा, अंडर वेट रहेगा वो जब उसका बर्थ होगा, और वो बेबी भी होगा जो प्री मैच्योर बेबी होगा, मीन्स प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाएगा, वो वॉम्ब के अंदर प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाएगा, इफेक्ट करेगा उस पर भी। इवन पैसिव स्मोकर्स इनहेलिंग स्मोक बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू अ स्मोकर ऑल्सो रन द रिस्क ऑफ डेवलपिंग मैनी डिजीजेज इन कंपेरिजन टू एक्टिव स्मोकर्स। पैसिव स्मोकर्स कौन से हुए, जो स्मोक नहीं करते लेकिन जो स्मोक कर रहे हैं उनके आस पास ही होते हैं वो। तो जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोक नहीं भी करते, उनके उनमें भी काफ़ी डिजीजेस होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्टिव स्मोकर्स के आसपास होते हैं, क्योंकि धुआं का उनसे भी निकलेगा, स्मोक उनसे भी निकलेगा, तो वो धुआं जो नॉन स्मोकर भी हैं वो भी इनहेल करते हैं, तो उसकी वजह से उनमें भी काफ़ी डिजीजेस होने के चांसेस हो जाते हैं। पीपल हु स्मोक रन अ हायर रिस्क ऑफ कैंसर। लेकिन जो पीपल स्मोक करते हैं उनमें कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इन कश्मीर पीपल कंज्यूम टोबैको बाय इनहेलिंग स्मोक फ्रॉम द हुक्का विच इन द नेटिव लैंग्वेज इज कॉल्ड जजीर। कश्मीर में कुछ लोग टोबैको को इनहेल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी बहुत से लोगों ने देखा होगा कि पुराने जो हमारे दादा वगैरह होते हैं वो भी टोबैको इनहेल करते हैं। किसकी हेल्प से, वो हुक्का मीन्स पीते हैं, उसमें टोबैको डाला होता है और उसके थ्रू वो पीते हैं, और कश्मीर में इसको क्या बोलते हैं, जजीर बोलते हैं। लाइफ इज प्रीशियस, टू लिव अ हेल्दी एंड फिट लाइफ वन शुड टेक अ बैलेंस्ड डाइट, लॉट ऑफ वाटर एंड एक्सरसाइज डेली। लाइफ बहुत प्रीशियस है, प्रीशियस मीन्स कीमती है, एक हेल्दी लाइफ और फिट लाइफ जीने के लिए हमेशा बैलेंस डाइट बना के रखना चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए और रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। देर इज़ अ लॉट ऑफ कैंपेनिंग गोइंग अराउंड द वर्ल्ड अगेंस्ट स्मोकिंग। मीन्स बहुत सी कैंपेनिंग्स होती हैं, कैंपेनिंग्स मीन्स बहुत सी आयोजनाएँ निकाली जाती हैं, योजनाएँ निकाली जाती हैं कि इस स्मोकिंग को कम किया जाए, पूरे वर्ल्ड में आजकल बहुत ज़्यादा होता है। The unfortunate reality is that many youngsters are getting addicted to this harmful habit, little knowing the cost they shall have to pay in the long run. लेकिन unfortunately एक reality क्या है कि बहुत से youngsters, जो भी youth है आज का, जितने भी बच्चे वगैरह होते हैं, तो वो इस harmful habit से बहुत ज़्यादा addict हो चुके हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में बहुत कम पता है कि इनको आगे जाके कितना ज़्यादा इसके लिए पे करना पड़ेगा, कि अपनी हेल्थ के लिए इनको कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा, अपनी लाइफ से ये अभी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इवन सीक्रेट पैकेट्स हैव वार्निंग लाइंस रिटन ऑन देम, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। जो सिगरेट के पैकेट्स भी होते हैं जिनमें वो पैक्ड होते हैं, इवन उस पर भी ये वार्निंग लाइंस लिखी हुई होती हैं कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, बट फिर भी लोग इसको कंज्यूम करते हैं। वर्ल्ड एंटी टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 31st मे एवरी ईयर टू क्रिएट एन अवेयरनेस। वर्ल्ड एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है, 31st मे को मनाया जाता है हर साल, ताकि एक अवेयरनेस कर सकें वो पूरे यूथ में, पूरे वर्ल्ड में, कि टोबैको को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। बट इन स्पाइट ऑफ दैट पीपल स्मोक एंड निगलेक्ट देयर हेल्थ क्विट स्मोकिंग। लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, इस अवेयरनेस के लिए कोई ध्यान नहीं देते और वो फिर भी स्मोक करते हैं। विल पावर एंड फैमिली सपोर्ट कैन हेल्प वन। अपनी विल पावर और फैमिली की सपोर्ट हो तो कोई भी इंसान अपने आप को हेल्प कर सकता है कि नहीं, अगर मुझे स्मोक नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है। वो अपने अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए।
कि तभी कोई इंसान इस आदत से छूट सकता है।